Hello, dear students, good morning please. Today I will teach you past tense, past inhibitions, okay? ये भी वर्तमान काल की तरह से ही इसके भी चार भेद होते हैं, affirmative, negative, interrogative and interrogative negative, right? इसकी पहचान है इस प्रकार के वाक्य आ, ई, ए या तथा तिथि तेथे से समाप्त होते हैं, ठीक है? डू यू फॉलो मी? सच टाइप ऑफ द सेंटेंसेज आर ऑलवेज एंड्स एट द इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंसेज आ, ई, ए या तथा तिथि तेथे से समाप्त होते हैं, ठीक है? जैसे आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, मैंने एक गाना गाया, आई सेंग ए सॉन्ग, उसने एक शेर देखा, He saw a lion. We will always they used the second form of verb in such type of sentences. Please remember, okay? In past inhibitions, in affirmative type of the sentences, we will use the verb in second form. Again, please listen to me. We will always use the second form of the verb, right? Now, दूसरा एग्जाम्पल है जहाँ कार्य विशेष करने की आदत पाई जाए वहाँ यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं. Whenever, if the work is habitual, ठीक है, तो before this type of the sentences, we will use used to. ठीक है, यूज्ड टू हमें प्रयोग करना है वाक्य में, ओके? जैसे दे यूज टू वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, ठीक है, वे प्रतिदिन सुबह घूमने जाते थे, क्योंकि यहां पर आदत पाई जाती है, ठीक है ना? घूमने के लिए, प्रतिदिन के लिए वहां पर आदत है उसकी कि ही गोज ऑलवेज अर्ली इन द मॉर्निंग डेली. That's why we will use such type of the sentences used to. Okay? वह रोज गंगा में स्नान करता था. He used to take bath in Ganga daily. इस तरीके से मेरा ये रूल बनाइए कि सब्जेक्ट धन वर्ब सेकेंड फॉर्म धन ऑब्जेक्ट धन एक्सेट्रा, ओके? तो इट्स ए वेरी फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल इज देयर. सब्जेक्ट then it will come the second form of verb plus object plus etc. Okay, now I am giving you some examples. Please listen to me. Maine aaj Taj Mahal dekha. I saw the Taj Mahal today. Tum pratidin bazaar jaate the. You used to go to market daily. Right? Next example. तुमने मेरे घर पर एक गाना गाया. यू सेंग ए सॉन्ग एट माई होम. राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमने कल चिड़ियाघर देखा था. वी सॉ द ज़ू यस्टरडे. नेक्स्ट एग्जाम्पल उसने रात्रि में एक पिक्चर देखी. ही सॉ ए पिक्चर इन द नाइट. राइट. नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल है मैंने परसों तुम्हारी सहायता की थी. आई हेल्प्ड यू ए डे बिफोर यस्टरडे. परसों की मीन्स इंग्लिश है ए डे बिफोर यस्टरडे. राइट. ध्यान रखें हमें क्रिया की सेकंड फॉर्म ही लगानी है, अतः सभी क्रियाओं के तीनों फॉर्म याद करें. भविष्य में आपके लिए ये लाभदायक होगा. थैंक यू वेरी मच. हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज गुड मॉर्निंग. प्लीज टुडे आई विल टीच यू द पास्ट टेंस इंडेफिनिट टेंस टाइप नेगेटिव टाइप ऑफ द सेंटेंसेस, ओके? नकारात्मक प्रकार के वाक्य, ठीक है? इसकी पहचान है इस प्रकार के वाक्यों के अंत में तथा तिथि तेथे लगा हुआ होता है अथवा आ, ई, ए से अंत होता है. साथ में नहीं का प्रयोग भी होता है, ठीक है? दिस टाइप ऑफ द सेंटेंसेस ऑलवेज एंड्स विद द तथा तेथे तिथि या और द लास्ट एंड्स आ, ई, ए, ए से. जैसे
राम स्कूल नहीं जाता था. राम डिड नॉट गो टू स्कूल. मैंने झूठ नहीं बोला. आई डिड नॉट टेल ए लाई. विशेष इस प्रकार की वाक्यों में नॉट से पहले डिड लगाते हैं. वी ऑलवेज यूज्ड द वर्ड डिड बिफोर द नॉट. सच टाइप ऑफ द सेंटेंसेस वेन एवर वी विल यूज एंड द नॉट ओके इन द सेंटेंसेस. नेक्स्ट है, देखिए हम आपको इसका पहले नियम बता दें. इसमें हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी अप्लाइड. ठीक. नेक्स्ट है, बिफोर द नॉट वी विल यूज द वर्ड डेड. ओके, तो इट मीन्स नॉट नेवर कम्स अलोन बट इट विल बी यूज विद द हेल्प ऑफ एज वेल एज विद डेड नॉट. ओके, तो इस तरीके से रूल हो गया, सब्जेक्ट धन डिड धन नॉट धन वर्ब धन ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा. ओके, ध्यान दें क्रिया हमेशा अपने मूल रूप अर्थात फर्स्ट फॉर्म में ही लगेगी, चाहे कर्ता एक वचन हो, सिंगुलर नंबर हो, अथवा प्लूरल नंबर बहुवचन हो, क्योंकि डिड आने से पहले पहले सेकंड फॉर्म का कोई अर्थ नहीं रहता है, क्योंकि डिड में सेकंड फॉर्म ही है ऑलरेडी. ठीक है, पे अटेंशन प्लीज, अगेन लिसन टू मी. Those sentences which are having the not in itself, so did will be always used with the help of other not. Okay? तो ध्यान दें क्रिया हमेशा अपने मूल रूप से फर्स्ट फॉर्म अगेन में ही प्रयोग की जाएगी. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिड नॉट. ठीक है, उदाहरण आई एम टेकिंग अप सम ए फ्यू एग्जाम्पल्स. जैसे हमने मैच नहीं देखा या हमने मैच नहीं जीता. वी डिड नॉट विन द मैच. नेक्स्ट, तुमने गीता नहीं पढ़ी. यू डिड नॉट रीड द गीता. ठीक. थर्ड है, मैंने कल पुस्तक नहीं खरीदी. आई डिड नॉट परचेज द बुक यस्टरडे. उसने ताजमहल नहीं देखा. ही डिड नॉट सी द ताजमहल. नेक्स्ट, वे हमें अपने घर पर नहीं मिले. दे डिड नॉट मीट अथवा विजिट मी एट देयर होम. राइट. लास्ट है, मैंने दूध नहीं पिया. आई डिड नॉट ड्रिंक मिल्क. याद रहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी तथा नॉट से पहले डिड अनिवार्य लगाएं. दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच.